अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको शामी कबाब की रेसिपी दिखाएंगे जो बहुत टेस्टी बनती है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर हमने गोश्त 1/2 kg लिए है और सोख करी हुई चने की दाल 4 टेबल स्पून, फ्राइड ओनियन 1/2 बॉल, ऑयल फॉर फ्राइंग, कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, मिर्ची, हल्दी, कोथमीर पुदीना, हरी मिर्ची, लेमन जूस। खड़े मसाले में हमने शाहजीरा, इलायची, ज़ीरा धनिया पाउडर, कबाब चीनी, दालचीनी का चकला, लौंग। चलिए अब हम इसे बनाने चलते हैं। एक प्रेशर कुकर लीजिए, उसमें गोश्त ऐड कीजिए और सोख करी हुई दाल ऐड कीजिए। इसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर हमने 1 टीस्पून यूज़ किया है और मिर्ची, हल्दी, नमक ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। यहाँ पर हम खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें फ्राइड ओनियन ऐड करेंगे। इसके बाद आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर लीजिए जो 1 बॉल है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल डालकर। इसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए और हम इसे हाई फ्लेम पर रख देंगे जब तक हमारा गोश्त गलेगा। उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त गल चुका है, इसमें पानी है तो हम ये पानी को सुखा लेंगे। चलिए हम इसका पानी सुखा लेते हैं और इसे हम ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, इसका अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें चॉप कोथमीर पुदीना ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 4 टीस्पून दही ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा 1/2 kg गोश्त है, इसीलिए हमने दही यहाँ पर 4 टीस्पून यूज़ किया है। अगर आपका गोश्त एक्स्ट्रा है तो आप दही एक्स्ट्रा यूज़ कीजिए। ओके, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद आप इसे टेस्ट कर लीजिए, अगर इसमें नमक कम है या मिर्ची कम है तो आप ऐड कर सकते। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे हमने टेस्ट भी कर लिया है, इसमें सब चीज़ बराबर है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टीस्पून, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है तो इसमें ऑलरेडी ये खट्टा हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें अंडे की सफ़ेदी ऐड करेंगे, इससे शामी में अच्छी सी बॉन्डिंग होंगी, शामी हमारे नहीं टूटेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ओके, शामी का शेप आप अपने हिसाब से बना सकते। आपको अगर राउंड चाहिए राउंड बनाइए, ओवल चाहिए ओवल बनाइए, स्क्वायर चाहिए स्क्वायर बनाइए, आपकी मर्जी, आप कैसे भी शेप में बना सकते इसे। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। शामी बनाने से पहले आप अपने हाथ पर ऑयल लगा लीजिए, इससे ये जो शामी का पेस्ट है ये आपके हाथ पे नहीं चिपकेगा, अच्छे से आपके शामी बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने हाथ पे ऑयल लगाया था, इसीलिए हमारे शामी का आटा हमारे हाथ पर नहीं चिपक रहा। ऐसे ही हम सारे रेडी कर लेंगे। हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं पूरे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए हमने एक पैन में ऑयल ऐड किया है, ऑयल को हम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए हमारे शामी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं
और ये टेस्ट में बहुत टेस्टी बने हैं। इसे आप भी ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। देखिए हम यहाँ पर इसे तोड़ के बताते हैं आपको, कितने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं हमारे शामी। ओके, जज़ाकअल्लाह खैर।